हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ट्रक स्पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मेरे सामने है एक ट्रेलर है जो कि प्लांट से लेके जो डीलरशिप रहती है वहां तक गाड़ियां लेके आता है। उसके अंदर गाड़ियां कैसे लगती है, एक ट्रेलर के अंदर कितनी गाड़ी आती है वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। और ये जो प्रोसेस है किस तरीके से किया जाता है और कैसे जो इसमें हाइड्रोलिक जो सिस्टम रहता है वो किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है, सबसे चलता हूँ इसके आगे की साइड जहाँ से फर्स्ट प्रोसेस इसकी स्टार्ट होती है। अभी आप देख सकते हो ये एक पूरा ट्रेलर है और काफ़ी लंबा वाला ट्रेलर है। इसमें दिखाता हूँ सबसे पहले क्या क्या जाता है। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे जो एयर ब्रेक्स पाइप्स वगैरह वो इसके अंदर दी जाती है। बट जो पीछे की साइड पूरा जो हाइड्रोलिक सिस्टम लगता है वो मतलब जो मोटर से वर्क करता है और मोटर को जो सप्लाई वगैरह वो कहाँ से दी जाती है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे देखो यहाँ पे एक अलग से इसके लिए स्विच निकाला गया है जिसमें आपको एक पॉजिटिव वायर जाती है और इसमें जो पीछे की साइड जो करंट है उसको सप्लाई दी जाती है। मतलब यहाँ से आपको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से दी जाएगी, प्लस नीचे देखिए तो यहाँ पे जो आपका अर्थिंग है वो यहाँ से इसमें दिया जाता है। मतलब जो आपकी चेसिस है, चेसिस से आपको इसमें 50 व्हील कपलिंग में जाता है, 50 व्हील कपलिंग से आपके इस पूरे जो कंटेनर है उसके अंदर आपकी जो सप्लाई होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर यहाँ पे मिल जाते हैं और साथ में जो मोटर्स वगैरह रहती है वो वर्क करना स्टार्ट करती है। और इसमें जो एक्सल देखोगे तो यहाँ पे आपको डबल एक्सल के साथ आता है और सिंगल टायर आपको इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी के अंदर इसमें लोड वगैरह ज़्यादा होता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे सिंगल टायर पे ही लेके आते हैं। अब दिखाता हूँ दोस्तों इसके अंदर की साइड क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ये पीछे वाला जो फ्लैप रहता है ये आपको हाइड्रोलिकली आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप देखो तो ये पूरे साइड आपके पीछे की साइड लग जाता है और जैसे ही आपको गाड़ियाँ वगैरह उतारनी हो तो इसको आप नीचे की साइड इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके दोनों साइड इसमें लीवर वगैरह दिया जाता है जिससे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे छोटा बोतल वगैरह भी यहाँ से दी जाती है, ठीक है। बोतल का इसमें आपका जो बॉक्स है वो उसमें दिया जाता है जिसमें दो आपके स्विच वगैरह इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब देखते हैं इसके अंदर की साइड देखिए तो यहाँ पे इसमें जो टाटा एस है उसकी लोडिंग की गई है। उसकी लोडिंग देखा जाए तो इसमें एक कंटेनर के अंदर 8 टाटा एस आती है और आसानी से इसको उतार के लिया जाता है। मतलब पहली गाड़ी जो उतर रही है वो देख सकते हो कि आसानी से उतार सकते हैं गाड़ी को। अब आते हैं इसके आगे की साइड चलते हैं, अंदर की साइड क्या है क्या नहीं है। अंदर की साइड सबसे पहले देखोगे तो इस जो ऊपर वाले लेयर सिंगल नीचे वाले जो लेयर है इसके अंदर आपको 4 गाड़ी है और इसके जो ऊपर साइड आते हैं उसमें आपको 4 गाड़ी मिल जाती है। पहले सबसे पहले जो गाड़ियाँ हैं नीचे की गाड़ियों को अनलोड किया जाएगा और उसके बाद जो ऊपर वाला फ्लैप है ये वाला जो फ्लैप वो नीचे की साइड इसमें टच हो जाता है। टच होने के बाद वो नीचे की गाड़ियाँ जो है वो आसानी से उतार सकते हो। बड़ा आपको हाइड्रोलिक जैक इसके अंदर दिया जाता है जिसको इस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और साथ में गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, गाड़ी को मतलब फिक्स करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसको इनका यूज किया जाता है जो कि इन जो होल्स वगैरह हैं इसके अंदर आप इसको आसानी से सेट कर सकते हो। इसके अंदर जो व्हील स्टॉपर इसके अंदर लगाया जाता है, एक आगे की तरफ लगा दिया जाता है और एक आपके पीछे की तरफ लगाया जाता है। इसके लगाने के बाद देखोगे तो यहाँ पे आपको जो स्लिंग्स में से आती है उसके अंदर इसको प्रॉपरली फिक्स किया जाता है। मतलब आगे की साइड निकाल के और यहाँ से इसको प्रॉपर टाइट किया जाता है जिससे क्या होता है गाड़ी की मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। और आगे की साइड में देखते ऊपर वाला जो ये वाला जो कैरियर है, कैरियर को ऑपरेट करने के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा हाइड्रोलिक जैक दिया जाता है जिसके अंदर से आप इसमें जो पीछे वाला जोक है जैक है मतलब कैरियर है इसको आप आसानी से नीचे की तरफ ला सकते हो और ऊपर ही गाड़ियाँ आसानी से अनलोड हो जाती हैं। आगे की साइड दिखाता हूँ कि क्या क्या रहता है। यहाँ पर आपका एक गाड़ी इसकी उतर चुकी है और दूसरी गाड़ी यहाँ पे आप दी जा रही है और एक यहाँ पे आपका तीसरी गाड़ी, तीसरी जो माउंटिंग देख सकते हो, माउंटिंग दिखाता हूँ कि अगर किस तरह से फिक्स किया जाता है। मतलब देख रहे हो कि यहाँ से ना इसको प्रॉपर स्टॉपर के साथ लगा के और इसे स्लिंग चेन है इससे प्रॉपर फिक्स किया जाता है जिससे क्या होता है गाड़ी की जो मूवमेंट है ना के बराबर होती है और गाड़ी आसानी से सेफली डीलर के ऊपर पॉइंट तक पहुँच जाती है। अब दिखाता हूँ इसमें जो सेफ, इसमें जो गैप देखोगे ना दो गाड़ियों के इसमें गैप है, मतलब 3 से 4 इंच का गैप है। मतलब इतनी भी गाड़ी की मूवमेंट नहीं होने देता, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करके इसको लाया जाता है। चलते हैं यहाँ पे आपको ये जो गाड़ी है तीसरी गाड़ी और साथ में देखोगे तो यहाँ पे एक आके जो चौथी गाड़ी है वो देख सकते हो। और चौथी गाड़ी क्या है, आपकी टाटा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और साथ में देख सकते हो यहाँ पे आपको इसमें भी गैप देखो तो बहुत माइनर गैप इसके अंदर रखा गया। मतलब गाड़ी की जो मूवमेंट है, गाड़ी को स्लोप में रखा गया फिर भी गाड़ी की जो मूवमेंट है वो ना के बराबर आती है। ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ऊपर की साइड जो गैप है उसमें छोटा सा आपका जो प्रोटेक्शन जो ये लगाए गए बट यहाँ पे गैप देखोगे वहाँ पे भी आपको माइनर गैप इसके अंदर दिया जाता। मतलब गाड़ी को सेफ तरीके से लाया जा सकते, मतलब 0 मूवमेंट के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। और साथ में देखिए ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है फ्लैट बेड के साथ आती है, मतलब फ्लैट बेड वाला मॉडल है और मॉडल को आप देख सकते हो
यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, और कुछ इस तरह का दिया जाता है फिक्सिंग चार्ज। यहाँ पे फिक्सिंग देख सकते हो, कुछ इस तरह की फिक्स किया जाता है। तो इस अपने जो ड्राइवर भाई है इनका नाम है बिलाल भाई है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। बिलाल भाई आओगे? देखो बिल्कुल रेडी आने के लिए। तो बिलाल भाई आप ये जो ट्रांसपोर्टेशन है कहाँ से लेके आते हो गाड़ियाँ? रुद्रपुर से लेके आते हो और वहाँ से यहाँ तक, मतलब जो लोकेशन है आप अभी भीलवाड़ आए हो, तो कितना टाइम लग जाता है इन गाड़ियों में आने में? आने में वैसे तो 2 दिन का टाइम है। 2 दिन का टाइम, आप कितने टाइम में आ जाते हो? 2 दिन पक्का। मतलब ये गाड़ियाँ इतनी, आप जो माइनर गैप रखते हो आगे, जो एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में जो माइनर गैप है, तो मतलब इतना फिक्स किया जाता है कि इतना 2 इंच भी नहीं हिल सकती गाड़ी? नहीं हिलेगी वो, क्यों हमारी जो सेफ्टी है ना, देखो जैसे कि ये बेल्ट स्टॉपर दे रखे हैं हमें कंपनी, इसीलिए दे रखे, इस हिसाब से मान लिए बेल्ट जो कि ना स्क्रेच लगे ना, गाड़ी आगे पीछे घूरी लग कहीं भी मतलब गाड़ी जाम हो जाती है पीछे के आगे वाले, जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसके वो स्लोप पे भी खड़ी है और उसके आगे वाली गाड़ी के बीच में देखोगे तो आपका इतना गैप है, मतलब आपकी गाड़ी की मूवमेंट जीरो के बराबर हो जाती है और आप सेफली गाड़ी यहाँ पे तक लेके जाते हो। मतलब इतनी गाड़ी उतारने में आपको कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत। और चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। और ऊपर के जो कैरियर वाली गाड़ियाँ उनको कैसे उतारोगे आप? उन्हें ये फाल का डाउन करेंगे, जैक है, अरे ये मशीन है हमारी, देखो हाँ बीच वाला जैक नीचे को आ जाता है। अच्छा, मतलब ये वाला जो जैक है ऊपर वाला जो कैरियर है इस मशीन के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाता है और ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं वो आसानी से उतार सकते हो। ठीक है जी, तो होते हैं। इसके अलावा जैसे गाड़ियां आप कमर्शियल लेके आते हो या प्राइवेट भी लेके आते हो, जैसे प्राइवेट कार वगैरह लेके आते हो या फिर सिर्फ आप कमर्शियल जो कंपनी वाली गाड़ियां हैं जो टाटा की गाड़ी वही लेके आते, इसके अलावा कोई ब्रांड नहीं लेके आते? और इसमें जैसे कोई कभी कभार जैसे गड्ढे वड्ढे आते हैं, रोड खराब हो, तो उसमें कैसे मैनेज करते हो गाड़ी? स्लो दूसरे तीसरे में निकालनी पड़ती, बहुत धीरे धीरे निकालनी पड़ती, तब जाके यहाँ पे तक गाड़ी, मतलब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर जाके तब जाके यहाँ पे गाड़ी आप सेफ पहुँचा पाते हो। मतलब देखा जाए तो आप पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस गाड़ी में लाने में, रात भी देख करना पड़ता है। सही है, मतलब इनकी भी मेहनत बहुत काम लाती है क्योंकि इन गाड़ियों को सेफली लाना बहुत ही एक टास्क रहता है, क्योंकि अगर इस गाड़ी के अंदर कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह आते हैं तो डीलर यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिनाई कर देता है कि, और इस डायरेक्टली किस पे ब्लेम करता है, आपके ड्राइवर के ऊपर कि आपकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो ये लोग है ना काफ़ी सेफ्टी से जो कमर्शियल गाड़ी है वो टाटा की डीलरशिप तक, प्लांट से लेके डीलरशिप तक पहुँचाते हैं। आप देखो अंदर जाके हर किसी गाड़ी में इतने गैप मिलेगा, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, गाड़ी जाके कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे खड़ी है कहीं को नहीं हिलेगी। मतलब कि इस हिसाब से लेकर आनी है हमें भी, जैसे कि हम वहाँ से चलेंगे, हम चेक भी करते हैं इन गाड़ियों को आके रास्ते में, तो कम से कम 200-300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाने के बाद चेक करते हैं गाड़ियों को, ठीक है, कहीं लगी हुई तो नहीं, कोई बैल तो नहीं खुली हुई। तो खोलने के लिए यहाँ पे चेक करने के लिए दोनों साइड में जो आपके ये बना रखे आपने जो साइड में ये खिड़की बनी हुई है, मतलब उससे चेक करते हो? हाँ। उससे आप आसानी से अंदर चले जाते हो और आप में आसानी से चेक कर सकते हो, मतलब 2-3 बार चेक करना पड़ता है आपको? बिल्कुल। देखो हम अंगूठी भी नहीं पहन सकते ना कोई कड़ा पहन सकते, क्यों ऐसा क्यों? कभी इसके लिए साझा तो लेने देने पड़ता। देख रहे हो भाई साहब, ये भाई साहब बता रहे हैं कि इन गाड़ियों जब चलाते हैं तो अंगूठी और कड़ा, मतलब हाथों में कुछ भी नहीं पहन सकते। रीजन क्या है कि इन गाड़ियों के अंदर कहीं स्क्रैच ना आ जाए, मतलब स्क्रैच आ गया तो डायरेक्टली ब्लेम किस पे आता है? ड्राइवर के ऊपर आता है। तो ये लोग है ना इतना सेफ्टी ज़्यादा है, लेकिन इनके हाथ में भी देख सकते हो ना कोई कड़ा है और ना ही कोई अंगूठी है, मतलब सेफली इन गाड़ियों को उतारते हैं, मतलब बिना स्क्रैच वाले। अरे बटन वाला भी बुक साइड नहीं पहन सकते, मतलब बटन वाला शर्ट तक नहीं पहनते, देख रहे हो, मतलब कितनी सेफ्टी लेके आते हैं। मतलब दोस्तों की इसकी ड्राइवर भाई के लिए एक लाइक तो बनता है कि आपकी गाड़ी को सेफली लाने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं आपके लिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप गाड़ियाँ किस तरीके से अनलोड की जाती हैं, और ये सारी गाड़ियाँ हैं जो टाटा एस है और जो BS6 फेज 2 वाली गाड़ियाँ जिनको पंत नगर से डीलर तक आसानी से पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाड़ियों को कैसे लाया जाता है, किस तरीके से लोड किया जाता है, वो सब डिटेल बताने की कोशिश करी है, और अपने जो ड्राइवर का भाई का जो एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।